नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यूपी 2017 से पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और दंगों के लिए जाना जाता था। तो यूपी में पहचान का संकट था, केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती थी, लेकिन 5 साल में यूपी की पहचान बदलने के लिए सरकार ने काफी मेहनत की, जिससे जनता के मन में विश्वास जगाने का काम किया है। सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। विधानसभा चुनाव में जीत का जो सिलसिला चला था वो आज भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के इतिहास में 37 साल बाद कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करके अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। पहली बार किसी सीएम ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और अब 100 दिन की उपलब्धियां के साथ ही जनता के बीच आया हूं। सीएम ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। पीएम मोदी हमें कहते हैं कि यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रखता है और इस दिशा में काम करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने 100 दिन के भीतर ही सरकार के अपने चुनावी संकल्प पत्रों में 97 वादों को पूरा करने का काम किया, बाकी के वादों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी सरकार में भी सरकार निवेश लाने में सफल रही है। पार्टी नीत गठबंधन की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही 100 दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलियों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी।
इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि इस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सब आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, एक पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। वाराणसी के गैरव्यापी और श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज यानी 4 जुलाई को मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में फिर से शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा है। वाराणसी के गैरव्यापी और श्रृंगार गौरी केस की अगली सुनवाई का इंतजार अब खत्म हो गया है। बता दें कि 35 दिन बाद फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई है। मामले की आज यानी 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे से जिला अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखनी शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार आज हिंदू पक्ष को दलील पेश करने का मौका शायद ना मिल सके। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही। आजम खान पर अब फिर से ईडी ने शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के आधार पर रामपुर जिले में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी ने आजम खान की पत्नी और बेटे को तलब किया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने आजम खान के बेटे और पत्नी को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीख पर बुलाया है। राजधानी लखनऊ के ईडी के जोनल मुख्यालय में आजम खान की पत्नी और बेटे पेश होंगे। सूत्रों के माने तो ईडी ने आजम की पत्नी और बेटे को तलब किया है। बताया जा रहा है कि ईडी आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला से जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाने और ट्रांसफर किए गए रुपयों को लेकर पूछताछ करेगी। उसे जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर हुए फंड ट्रांसफर के साथ ही आजम के खिलाफ दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी पूछताछ की जाएगी। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को लेकर अपने बयान से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सपा प्रमुख के खिलाफ कानून समस्त धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। महिला आयोग ने इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है और कहा कि अखिलेश यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई से 3 दिनों के भीतर अवगत कराया जाए। और राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक प्रथम दृष्टया अखिलेश यादव का ट्वीट भड़काऊ है, नूपुर शर्मा के खिलाफ लोगों को उकसाता है, इसलिए कानून के तहत अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा था कि उन्हें देश के सामने टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने शुक्रवार 1 जून को ट्वीट किया था, सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगड़ाने की सजा भी मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सोमवार से प्रयागराज, बुंदेलखंड समेत पूर्वांचल के कई जिलों में मॉनसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजनौर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर में भारी बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए डीएम ने ग्रामीणों को गंगा किनारे न जाने की हिदायत दी है। मैदानी व पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराएगा। उधर रविवार को सीतापुर के रेउसा इलाके में धान की रोपाई कर रहे लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे एक दंपत्ति समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग झुलस गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।